एंड सो गाइस, तो फिर तुम सब लोग कैसे हो? सारे तुम सबका स्वागत है कोने वीडियो में। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एक हॉरर गेम जिसका नाम होने वाला है दी विजिटर। एंड भाई, इस गेम का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होने वाला है कि इस गेम में रोल प्ले करते हैं हम एक एलियन का जो कि बहुत दूर से आया होता है। एंड भाई, उसके बाद ये वाला एलियन जिस किसी के भी अंदर घुस जाता है वो उसकी पावर यूज कर सकता है, जैसे कि कोई ह्यूमन बींग या तो कोई एनिमल। ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को एक लाइक कर दो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मैं ऐसी मजेदार कॉन्टेंट लाते रहता हूँ। ओके, तो भाई चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक सुहानी सी रात एंड आसमान से कुछ गिरा है हमारे तालाब में। उसमें एक छोटा सा मुझे कुछ दिख रहा है, एलियन, आई थिंक वही एलियन है। एंड यहाँ पर एक फ्रॉग है जो कि सो रहा है, एंड एक चिड़िया है, उसके बगल में एक फिश रॉड है। तो आई थिंक मुझे जाना है उस पार, बट कैसे जाऊँ? किस फ्रॉग को टच करने से ये जगता है एंड उधर उधर देखता है, एंड इस चिड़िया को छूने से ये चिड़िया फड़फड़ाती है, एंड ये फिश रॉड अभी यूज़ नहीं कर सकता है, बस ये उठता है एंड गिर जाता है। ओके, आई थिंक ये जो पेड़ की डाली है ना, ये टूटेगी। मेरे को जहाँ तक लगता है ये पेड़ की डाली टूटेगी एंड उसके बाद ये उसके ऊपर से चला जाएगा। ऑल राइट, ये पेड़ की डाली पर चला गया एंड यहाँ पर जो फ्रॉग है वो सो रहा है। ओके, इसने देख, ऑल राइट, ये तो खा गया भाई। आई ये भाई फ्रॉग को फोड़ के बाहर आ गया मैं। ओके, अभी ये चिड़िया को आई थिंक हटाना है यहाँ से, नहीं तो ये शायद खा लेगी। ओके, ये चिड़िया चली गई उसमें, उस घोंसले से जैसे छेद में। ऑलराइट, ये फिशिंग, ओके ये टूट गया एंड ये फिशिंग रॉड उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ। अंदर एक मछली सी है। ओके, मछली जाती है उसके पास जब मैं इसको हिलाता हूँ, एंड मैं जैसे ही मछली को ऊपर खींचता हूँ वो वापस चली जाती है। तो आई थिंक उसको ऊपर नहीं खींचना है, अपने को उस मछली के हेल्प से इसको उधर भेजना है। ओके, ये आ चुका है इधर घर के पास एंड यहाँ पर एक विंडो पे आके टकराया है, एंड नीचे एक बिल्ली है जो कि मुझे शायद आगे जाने नहीं देगी, एंड नीचे एक खाया हुआ एप्पल पड़ा है एंड एक मकड़ी का जाल। अभी क्या कर सकते हैं अपन? घर पे जाने से तो ये बिल्ली रोक रही है, घर में जाने नहीं देगी भाई। मैं जैसे ही घर पर जाने की कोशिश करता हूँ ये बिल्ली मेरे को वापस भगा देती है। तो आई थिंक हमको इस बिल्ली को भी मारना पड़ेगा। ओके, मैंने एप्पल खा लिया एंड एप्पल खाने के बाद मैंने घास पर कुछ लिक्विड थ्रो किया एंड वहाँ मक्खी आ गई और बिल्ली मक्खियों के पास चली गई। तो मेरे पास अभी टाइम है, मैं जा सकता हूँ शायद। खुल जा भाई, नहीं 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 जा सकते अपन गाइस, ये इसके पास हाथ नहीं, आई थिंक अपने को हाथ की ज़रूरत है। आई थिंक मुझे इस बिल्ली को भी मारना पड़ेगा। ओके, बट एक सेकेंड, बिल्ली के पूंछ के पास एक होल जैसा है, वहाँ से मैं घर के अंदर जा सकता हूँ शायद। ओके, नहीं यार, ये बिल्ली की गुद्दी तोड़ दूंगा मैं यार, ये बिल्ली जाने नहीं दे रही भाई। अरे बिल्ली जाने दे मुझे, बिल्ली कहीं की भाई ऐसे घूर रही है ना, ये पक्का मार देगी मेरे को। कुछ तो है यहाँ पर ट्रिक, ऊपर पेड़ है आई थिंक, उस पेड़ से कुछ हो सकता है, वो पेड़ को अपन खींच सकते हैं एंड उसके बाद अपन उसके अंदर चले जाएंगे क्या? ओके, बिल्ली का ध्यान भटक गया, लेट्स गो। ओके, मैं अंदर आ गया गाइस। अभी यहाँ से कैसे निकलना है? ओके, ये दवाएं ब्लू, ओके रेड दबाता हूँ, ओके ये वाइट येलो। ओके, मैं बाहर आ गया गाइस, फाइनली बाहर आ गया। अब क्या करना है? एक सेकेंड, क्या बिल्ली के अंदर? भाई हे भगवान, भाई लिटरली मैंने ये नहीं सोचा था भाई। ओके, अब मेरे पास हाथ आ चुके हैं, अब मैं शायद घर के अंदर चला जाऊंगा, लेट्स गो। ऑल राइट, फाइनली घर के अंदर आ चुके हैं गाइस। अभी अपने को जाना है आई थिंक रूम में, एंड ये जो बुढ़िया है ये अपने को जाने नहीं देगी, एंड साइड में जो है डॉग सो रखा है तो वो भी तो अपने को जाने नहीं देगा। और डॉग को भाई बिल्लियों से नफरत है, एंड अभी मेरे पास बिल्लियों वाली ही पावर है तो वो डॉग मेरा दुश्मन ही है। ऑलराइट, मैं स्विच को भी ऑन ऑफ करके नहीं कुछ कर सकता। ऑलराइट, तो अभी मेरे को शायद कुछ अलग, ओके मैं संतरे गिरा सकता हूँ मैं, एंड मैं संतरे गिराने के बाद मैं शायद उस जार को भी जार खोल सकता हूँ मैं। तो संतरों को पहले एक संतरा मैं जार में डालता हूँ,
अभी मैंने ग्राइंडर ऑन किया और अभी मैं खोल दूंगा तो ये औरत उस ग्राइंडर के पास चली गई। मैं दराज खोल सकता हूँ एंड मैं चाकू को आई थिंक चाकू को यूज़ कर सकते हैं अपन। चाकू को मैं यूज़ कर सकता हूँ। ओके तो पहले मैं ग्राइंडर ओपन करता हूँ एंड उसके अंदर डाल देता हूँ एक संतरा एंड इसको ऑन कर देता हूँ। ओके अब मैं दराज पे से चाकू रख देता हूँ उसके एंड पानी ओपन कर देता हूँ। ऑलराइट भाई 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 उसके सर में चाकू घुस गया भाई। ओके अब शायद मैं जा सकता हूँ तो पहले मैं पंखा बढ़ा देता हूँ। ओके पंखा बढ़ाने से वो खुल गया। ऑलराइट अभी मेरे पास मेंढक की भी ताकत है ना। एक सेकंड मैं लाइट को मैं लाइट को होल्ड करके आगे जा सकता था। ऑलराइट आ गए हैं अपन बेडरूम में गाइस। यहाँ पर दो लोग सोए हैं। आई थिंक ये उस औरत का हस्बैंड एंड वो उसका बेटा है। ऑलराइट अभी अपने को शायद इन दोनों को भी निपटाना है। तो नीचे रखा है एक फिश तो मैं फिश टैंक में पहले कूद जाता हूँ। ओके गाइस फिश टैंक में कूदने के बाद मैं उस मछली को भी मार चुका हूँ एंड अभी वो चिड़िया चली गई उसके ऊपर एंड हमको शायद उस चिड़िया को भी खाना है। ऑलराइट तो उस चिड़िया को मैं जीप से ला सकता हूँ ना। मेरे पास तो मेंढक की भी ताकत है। नहीं यार वो उड़ जाएगी। आई थिंक उस चिड़िया को मुझे ट्रैप करना पड़ेगा। मैंने कुछ गिराया नीचे, ये शायद बर्ड फूड है। तो मैं इन कपड़ों के अंदर छुप सकता हूँ क्या? ऑलराइट मैं कपड़ों में छुप गया चिड़िया जैसे कि खाने के लिए। अब मैं यहाँ से निकल के चिड़िया को खा सकता हूँ। ओके लेट्स गो। ऑलराइट गाइस अब शायद मेरे अंदर चिड़िया की भी ताकत आ चुकी है। ऑलराइट मैं उड़ रहा हूँ। अब उस आदमी का मुंह खुला है। आई थिंक मुझे जाना है इसके मुंह के अंदर। ओके मैं इसके मुंह के अंदर जा एंड मेरा फिर से यहाँ पर हुलिया बदल चुका है एंड मैं कुछ कुछ यहाँ पर एक फ्रॉग की तरह दिख रहा हूँ जिसके पास पंख है एंड भाई उसके दांत बड़े नुकीले हैं। अभी नीचे वाले लड़के को पता चल चुका है कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है। बट बेटा तू भी नहीं बचने वाला, तू भी मरेगा। लेट्स गो। ऑलराइट मैं बेड के नीचे जा चुका हूँ एंड भाई काफी फिनिश। यहाँ पर एक बंदा और छुपा हुआ है एंड आई थिंक इसको पता चल चुका है कि इसके घर में यहाँ पर कुछ गलत है। एंड भाई भाई लिटरली भाई उसने उसको जीप से मार दिया।